गाइस वेलकम टू द PUBG मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। आज हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। तो भाई हम खेल रहे थे सोलो वर्सेस डुओ, तब तक एक और पैराशूट की आवाज आती है। हमने कहा कौन आगे पे, जल्दी से गन उठा लो। तो कहते बंदूक हमें, तो हमने कहा भाग यहाँ से, बंदूक तुम्हें दे दिया, हम क्या ताली बजाएंगे। भाई साहब अभी स्टेडियम में उतरे ही थे, अपना खाता भी नहीं खोल पाए, तुरंत हम इनको कैच पकड़ लेते, तब तक इनके दोस्त को खुजली मच जाती, ये तुरंत हमें गोली मारने लगते। हमने कहा अबे ये क्या कर रहे हैं, अभी तो हमारा एक ही रन बनाया। भाई साहब क्या कर रहे हो यार, कम से कम 10 तो बनाने दो, ये क्या तवा तवा क्या करेगा। हम हेल्थ किट की तलाश में घूमने लगते हैं और भाई साहब पैरों की आवाज खटर पटर चारों तरफ से आ रही होती है, हमको कुछ समझ ही नहीं होता। हमने कहा हेल्थ किट कहाँ है, ये बैग झोला ओला हमको का दे रहा है, चल लेवल 2 की बैच बहुत अच्छा। हमने कहा PUBG लाइट वेयर इज हेल्थ किट, अरे सामने बंदा भी था, जल्दी से हेल्थ किट दो भैया। ये क्या दे रहे हो मिनी 14, इसका क्या खटपुट थोड़ी ना करना है, मुझे हेल्थ किट चाहिए, जल्दी से हेल्थ किट लाओ। तब तक भाई साहब इस घर में हमें हेल्थ किट मिल जाती है। हमने कहा अब आ जाओ बेटा, है तुमको तुम्हारे दोस्त को जैसे ऊपर पहुंचाए थे, अब तुम्हारी ऊपर पहुंचाने की बारी है। अरे सामने थॉमसन रखिए, क्या ये मिनी 14 को हटा देते, थॉमसन को ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तब तक देखते हैं कि एक बंदा क्या अबे क्या ये रूटीन में नहीं तेरा, अबे कैसे खेलना। भाई मैंने आप लोगों से कितनी बार बोला है कि जब भी मेरे सामने आने का एकदम सीधा खड़ा होकर खेलने का, तो आप लोग ऐसा टेढ़ा मेढ़ा खेलोगे तो मुझे चक्कर आ जाता है। एक भाई साहब कमेंट करके बोले ही इज टॉकिंग इन भोजपुरी, आई थिंक ही इज फ्रॉम बिहार। ऐसे तो कल हम इंग्लिश में बात करेंगे तब तो इंग्लैंड से समझने लगोगे हमें। अब हम सोहम का बटुआ चेक कर रहे थे, तब तक ऊपर से पैरों की खटर पटर आवाज आती है। हम कह कौन है, अब हम समझ ही नहीं पाते, इतने एग्रेसिव मोड में सब बंदे आ रहे होते। तब तक देखते हैं हम समझते हैं कि भाई साहब ये तो हमारे सब्सक्राइबर है। हमने कहा पंकज भैया आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी पंकज भैया, तुरंत हम इनको पहले पप्पी देते हैं, उसके बाद कहते हैं पंकज भैया हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार करिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इनसे जो है सॉरी वोरी बोल के हम निकल लेते। तब तक जो है एक केडी बड़ा वाले देवता मिल जाते हैं। हमने कहा भैया प्रणाम पीछे देखिए हम यहाँ खड़े हैं, तो ये भाई साहब जो है पता नहीं कहाँ देख रहे थे। हमने कहा कौनो बात नहीं बिजी होंगे, अब हम जाते कहे गाँव गाड़ी पकड़ ले, तब तक आए ये क्या हो गया। हम तुरंत मम्मी को फोन करते हैं, घोलू लोग मम्मी कहती हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। हमने कहा मम्मी ये तुमने इंटरनेट बंद किया है क्या, तो मम्मी कहती हाँ बेटा झाड़ू लगा रहे थे। हमने कहा लो भैया लगाओ झाड़ू दिन भर। भाई तुरंत हम गाड़ी निकाल के बंदों को ढूंढने लगते हैं, तब तक देखते हैं एक आदमी कान में भूसा डाल के बस दौड़े पड़ा है, सामने देख रहा था। हमने कहा लो बेटा पेच किया। भाई साहब तुरंत गाड़ी घुमा के आते हैं, हम कह लाओ भैया इनका बटुआ चेक करें। इनका बटुआ चेक करते हैं तो साला दुनिया भर की लूट, पूरी लूट PUBG लाइट की इनको दे दी, सारी लूट तो PUBG लाइट तुमने इनको दे दी, हम लोग यहाँ क्या ताली बजाने आए क्या। भाई साहब हम पूरा अपने कान में भूसा डाल के इनके लूट में एकदम मगन हो गए थे, तब तक आवाज आती है खट से। हमने कहा ई कौन है बे, कार 98 कौन चला रहा है, कौन है जो हम पे नजर रखा है। तब तक भाई साहब देखते सामने वाले घर में बंदा। हमने कहा छोड़ो 40 गोली है M4 में, कोई बात नहीं, जो भी बचा कुछ सामान है तुरंत लेके निकल पड़ते इनके पास, और इनके पास रहता है गुम्मा, हमको तो पता ही नहीं रहता। हम एकदम छाती चौड़ी करके इनके पास पहुंच जाते हैं। हमने कहा बेटा अभी आते तुमको कंटाप लगाते, कहाँ हो अबे कहाँ निकल गया, अभी बताते कहाँ, अच्छा इधर से आ रहे हो, लो बेटा कंटाप, अबे 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 कहाँ जा रहा है, अबे कैसे खेलना, अबे सीधे, अरे क्या कर रहे हो बे। हे हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चकलू बीन योर लिमिट्स ओके, व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर चॉकिंग टू मी लाइक दैट। जब सब्सक्राइबर कहीं सारी बोलिंग तो चिल्ला कर रहे बे। अब भाई इनके बटुए में से मिल जाता है हमें गुम्मा, और उसका प्रयोग हम सिर्फ करेंगे शांतिमय मकसद के लिए। हमने कहा गाड़ी निकालो जल्दी करो। अब हम तुरंत गाड़ी लेके निकलते हैं। हमने कहा कहाँ हो लौंडो, सामने हो, तब तक आवाज आती है भम भम। हमने कहा ई का बे सामने लड़ाई हो रही है का, और ये लोग जो है कान में गोबर डाल के और एकदम मगन होके लूट रहे थे। हमने कहा अच्छा बेटा अभी बताते हैं, लो बेटा पिच किया। ये कैसा नाम है, करूपान 143। ने कहा इनका दोस्त कहाँ भाग के जा रहा, पकड़ो लो बेटा भम। कौन करे लॉबी इन द हाउस बेबी। भाई ये कैसा नाम रखे हो यार, कड़ुआ पान 143, मतलब पान पसंद है तो तुमने कड़ुआ पान रख लिया नाम। अब भाई हमें क्या करीना कपूर पसंद है, तो हम क्या करीना कपूर रख लेंगे अपना।
भाई अगले मैच में तो हमने 6 लोगों को गाड़ी से कुचला। अब हम यहाँ जा रहे थे चुपचाप, ये लोग तब तक हमको बॉड फायर करके बुलाते हैं। हमने कहा एक आदमी रहता है, देखता है कि जब सामने वाले के पास गुम्मा है तो वो सोचता है दूर से फाइट लेंगे, लेकिन ये भाई साहब बुला रहे हैं। हमने कहा लगता है खतरनाक प्लेयर है, देखना पड़ेगा मामला क्या है। हमने कहा आ गए बेटा, कहाँ? कबड्डी 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 लो बेटा भम, लो बेटा भम, लो बेटा भम भम भम। हमने कहा कहाँ है लौंडा? लौंडे को बुलाओ अपने। तो लौंडा इनका ऊपर से कूद के यहाँ टीपीपी ले रहा होता। हमने कहा अभी बताते हैं, लो बेटा भम भम भम, बाय बाय। तो भाई इस मैच में हम उतरते हैं स्टेडियम और इस मैच में भी बहुत मजा आने वाला है, कहे से एकदम हमने कुचल डाला है सबको। अब भाई साहब जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे 300 के कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत ही बहुत थैंक यू और बहुत ही बहुत शुक्रिया। एक आदमी बोले कि भैया आप Q&A नहीं कर रहे हैं। हमने कहा एक Q&A डाल तो दिया है, अब क्या चाहते हो अपना नाम बदल के बिपासु बासुर रख के और फिर से Q&A कर दे क्या? अब भाई यहाँ 2 लोग आए थे, एक शेर आया था, एक काले कोबरा आया था। जो शेर था ये दरवाजे के पीछे लूट रहा था, तब तक दरवाजा खुलता है। हमने कहा जैसे ही आएगा इसको मार डालेंगे, तब तक इनको गोली चलाते हैं। हम कहा ये तो शेर नहीं, ये तो चीता है, बहुत तेज दौड़ रहा है। अब ये भाग के उधर जाते हैं। हमने कहा इससे पहले इसके अंदर का शेर जाके तुरंत इसको जो है बजाना पड़ेगा, कहीं से हेलमेट मिल गया तो हमारे जो है चिथड़े चिथड़े उड़ा देगा। जैसे ही आते हैं हमने कहा आप भी बताते, लो बेटा कंटा भम। हमने कहा अबे तुम तो शेर नहीं, तुम तो चूहे निकले। अब भाई इनके दोस्त का नाम रहता है काला कोबरा और ड्रेस पहने रहते हैं सफेद एकदम बॉट वाली। हमने कहा अभी बताते हैं, देखो हरकतें इनकी एकदम लप्पू झन्ना जैसी है, खुले में एकदम लूट रहे। हमने कहा लो बेटा कंटाप। अब भाई साहब जो है एकदम एटीट्यूड एवं ऐठन ऐसे रहते हैं कि लूट के एकदम सामने से हमारे ऊपर रस कर रहे होते हैं। हमने कहा वाह बेटा अभी बताते हैं, जैसे आते सामने। हमने कहा लो बेटा कंटाप, तुरंत वहीं टट्टी कर देते हैं। हम तो वो खिलाड़ी हैं जो अपनी किस्मत के साथ खेलते हैं। हे चकलू बीन योर लिमिट्स ओके, लगता है तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई तुरंत इन लोग का बटुआ जैसे लूट के ऊपर आते तो देखते एक केडी बड़ा देवता कुछ देख के सोच रहे होते। हमने कहा भैया क्या देख के सोच रहे थे? इंडिया का कैपिटल दिल्ली, मुंबई का कैपिटल धारावी। अब भाई साहब फ्रंट में गिरा रहता है ड्रॉप और सामने एक आदमी जो है RPG लेके सबको उड़ाए पड़े तो उड़ाए पड़े थे। हमने कहा जब सही मौका होगा देख के इनको कुचल डालेंगे, पीछे से पिचकाव कर देंगे, ठप्पा लगा देंगे। तब तक भाई साहब देखते तो ये इधर रहते हैं, हम एकदम गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं इनके पास। हमने कहा लो बेटा पिचकाव। अबे भाई साहब 1 सेंटीमीटर की दूरी से बच जाते हैं और अब हम अपने आप को बचाने के लिए भागने लगते हैं। हमने कहा जल्दी भाग भाई साहब, देरी हो गई। तो गए लो भैया गड्ढे में गाड़ी फंस गई, हे भगवान। तक वो पीछे से लॉन्चे चला देता। हमने कहा साले पागल क्या कर रहा है बे, अभी मैं मर जाता तो। हम तुरंत मुंशी पुलिया चौराहे से दूसरी गाड़ी उठा लेते हैं और आगे मंगाया रहता है कोनो फ्लेयर। तो आप देखना असली जो है चटनी बनाने वाला गेम स्टार्ट होने वाला है, जो भी दिखेगा सबकी चटनी बनाते जाएंगे। ये भाई साहब जो है स्केटिंग मार के स्टाइल मार के आ रहे होते हैं, हम इनको देख लेते हैं। हमने कहा अभी बताते हैं, रुको तो पहले, लो बेटा पिच किया। इनके दोस्त एकदम दौड़े दौड़ाते कहते किसने टच किया मेरे दोस्त को? हमने कहा हमने टच किया, अभी तुमको भी टच करते हैं, लो बेटा धिश किया। तो ना इनको उड़ा डालते हैं। अब भाई साहब हमें लग रहा था कि कोनो हमें दूर से देख रहा था, एकदम जो है हमारी मन की जो है बातें चल रही थी कि कोनो देख रहा है, निकलो वरना बीच चौराहे पे तुम्हारा गेम बच जाएगा। और सही में देखो सामने से तब तक एक बग्घी आती है, उस घर में आके रुक जाती है। हमको लग ही रहा था कि ये साहब जानते थे कि हम बीच चौराहे पे हेलमेट लगाएंगे और हमको उड़ाने के चक्कर में थे, लेकिन हम समझ जाते हैं इनके पास रहता है गुम्मा। हमने कहा निकल चलो यहाँ से वरना भाई साहब जो है यही गेम बजा देगा और कैंपर है सारा टाइम तो यही वेस्ट करा देगा। अब हम जोन में जैसे जा रहे होते तब तक हमें आवाज आती है गोलियों की, एकदम तड़तड़ाहट रहती है। हमने कहा है मामला, जरा मामला जाके समझे, सिचुएशन को हैंडल करे जाके। तब तक देखते हैं 2 लप्पू जप्पू बग्गी से टहल ले होते भाई साहब। भाई हम गोली चला रहे होते तो बीच में पेड़ पौधा आ जाता है, फिर बीच में कभी वैन आ जाती है, उसमें BRDM वाले भी घुसे रहते हैं, निकल जाते हैं दोनों हाथ से। एक्चुअली विंड इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन। हमने कहा गाड़ी निकालो जल्दी से, जो भाई साहब ये लोग ज्यादा दूर गए नहीं होंगे। तो हम इन लोग को ढूंढ रहे होते हैं। हमने कहा हो बेटा, हेलो कबड्डी, हेलो कबड्डी। अब भाई ऐसे ही इधर से कुछ आवाज ही नहीं आ रही होती है। हमने कहा चलो आगे चल के देखते हैं। तब तक भाई साहब यहाँ पे जो है हमको बग्गी इन लोगों की टूटी फूटी दिख जाती है। हमने कहा यहीं कहीं होंगे, हम फिर से आवाज लगाते हैं, हेलो कबड्डी,
हेलो कबड्डी, तब तक भाई साहब गोली उली चला देते हैं, अपने पैरों की खड़बड़ाहट भी दे देते हैं। हमने कहा अभी बताते हैं, लो बेटा पिच क्यों, अबे अबे क्या कर रहा है, अबे गोली क्यों मार रहे, मर जाएंगे, अबे लो बेटा पिच क्यों, तुरंत इनको उड़ा देते हैं। अब इनके दोस्त सोचते हैं कि भाई साहब हमारी गाड़ी तो फूटी हुई है, जली हुई है, वापस तो आएंगे नहीं। लेकिन भाई साहब हम जानते थे पीछे चल रहा होता है गुली गुली, और इससे पहले कि गुली गुली हो जाए हम तुरंत आते और कहते लो बेटा पिच क्यों। भाई जैसे इनका बटुआ खोल के देखते हैं तो हेल्थ किट, पेन किलर, कोल्ड ड्रिंक, सिक्स एक्स सब तो इनको दे दिया, पबजी लाइट, हम लोग को कुछ नहीं देते हो लूट में, हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने आए क्या। भाई हमें BIDM मिल जाती है, एकदम लेके टहल ले होते हो, सामने आई रहती है फ्लेयर, हमने कहा भैया BIDM है, मौज है, अब तो चिकन डिनर अपना हो जाएगा। हम गाना गा रहे होते हैं, नीले गगन के तले आई, ये तो बग्गी खड़ी है यहाँ पे, कोनो है का यहाँ। तब तक भाई साहब पीछे से इनको खुजली हो जाती है और ये हमारे ऊपर गोली चला देते हैं। हमने कहा एक तो वहाँ तुम लेटे हुए हो, दिख रहे हो नहीं, घासे पबजी लाइट कटवा रहा है नहीं, इतना पैसा कमा रहा है, लोग इसका एक एक 10-10 हज़ार का ड्रेस खरीद रहे हैं और ये जो है घास नहीं कटवा पा रहा है, का घंटा हम लोग खेले। अब भाई हम BIDM लेके टहल रहे होते, इसको ढूंढ रहे होते, दिख ही नहीं रहा होता यार, हम एकदम चश्मा उसमें एकदम साफ करते, पानी उन्हें लगा के साफ करते, तब भी नहीं दिख रहा होता है। हमने कहाँ जाके लेटा, एक तो बम वम फेंक रहा है साला, कहीं हमको उड़ा ना डाले। हमने कहा अंधाधुन चलाओ भैया BIDM, बस हम BIDM चला ही रहे तब तक आई, ये क्या हो गया। अब भाई लास्ट में बचे रहते दो लोग, एक होते हैं भाई साहब और एक होती है भाई सबनी। अब भाई सबनी जो है आराम से किसी को मार के पेटी उटी लूट रही होती है, हम पीछे से एकदम आते हैं और इनको जो है पता ही नहीं चलता है। हम जैसे ही आते हैं हमने कहा लो बेटा पिच किया, तुरंत इनको उड़ा डालते हैं। हमने कहा क्वीन वेयर इज योर बॉयफ्रेंड, क्वीन दो चार तो बॉयफ्रेंड हो गई। हमने कहा अच्छा यही है, अभी बताते हैं तुमको, कहाँ उछल रहा है बे, मंकी उंकी का जूस पी के रखा है का, अभी बताते हैं बेटा। हम इनको BIDM से कुचलने की कोशिश करते हैं, हमको पता नहीं रहता इनके पास गुम्मा, हम एकदम एटीट्यूड एवं मैठन में, अभी बताते हैं तुमको, अभी बताते हैं लो बेटा, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। भैया 300 के कंप्लीट कराने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया भैया।